नोटिस भेजा? किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको? दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। हाल में एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। मिस्टर संदीप महेश्वरी उनके और मिस्टर विवेक बिंद्रा इनके बीच में काफी विवाद चल रहा है, बहस हो रही है। उनके इस किस्म के स्कैम्स में फंस जाने की संभावना अधिक क्यों होती है? स्कैम है क्या? नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम एक हाल की घटना पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उस घटना पर चर्चा करने से पहले आपने शायद पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर मेरी उपस्थिति के आधार पर यह देखा होगा कि ऐसे अवसर आए हैं जब मैं उन समूहों में हूँ, उस तरह के इवेंट्स में हूँ जहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे होते हैं। अभी हाल में मसलन इन्फ्लुएंसर अवार्ड इवनिंग में मैं मौजूद था, या फिर ऐसी उपस्थितियाँ, ऐसी महफिलें जहाँ पर कि मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाने वाले लोग एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर पा रहे होते हैं। और अगर रियल इवेंट्स को छोड़ दिया जाए तो वर्चुअली भी आप इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी चीज़ों के निकट मुहाने पर खड़े हुए मुझे देख पा रहे होंगे। ये शुरुआती बातचीत इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका संबंध इससे है। हाल में एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण जो सोशल मीडिया की हस्ती हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी उनके और मिस्टर विवेक बिंद्रा इनके बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है, बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मुझे विशेष तौर पर इस आरोप प्रत्यारोप पर अलग से कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस बात पर आरोप लगाया जा रहा है और जिसे लेकर मिस्टर संदीप महेश्वरी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि आम गरीब बेरोजगार मध्यवर्गीय जो लोग हैं, युवा हैं, वे इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। हम जानते हैं कि जिस बारे में बात की जा रही है वह यह है कि कुछ ऐसे कोर्सेस उपलब्ध कराए गए, बेचे गए, जिनके आधार पर इन युवाओं को यह स्वप्न दिया गया, इन युवाओं को यह मोटिवेशन दिया गया, इन युवाओं को यह ट्रेनिंग देने का दावा किया गया कि वे अगर इन कोर्सेज को करेंगे तो उसके बाद वे रातों रात बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, उनके पास बहुत पैसा आ जाएगा इत्यादि इत्यादि। और इसी वजह से यह एक ऐसा बिंदु लगता है जिस पर मुझे बात करने की ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, यद्यपि आप में से कुछ लोग मुझे भी इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर इत्यादि कहने की कोशिश करते हैं और मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि इस प्रक्रिया में एक शिक्षक होने के नाते मेरे जो विद्यार्थी ये वह समुदाय है जो इस पूरे विवाद में रिसीविंग एंड पर है, जिसके साथ यह बुरा हो रहा है। और इसलिए मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता है कि मैं इस पर अपने विद्यार्थियों से बात करूं, आपसे बात करूं कि यदि आप भी उस श्रेणी से आते हैं जो शिक्षित, अल्पशिक्षित, बेरोजगार लोग हैं जिन्हें यह स्वप्न दिया गया है कि वे रातों रात सफल हो सकते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं या उन बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं, उनके इस किस्म के स्कैम्स में फंस जाने की संभावना अधिक क्यों होती है? स्कैम है क्या? स्कैम कुल मिलाकर यह है कि सब लोगों को यह उम्मीद दिलाई गई कि यदि आप एक राशि का कोर्स हमारे से खरीदेंगे तो हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जिस रास्ते से आप आगे जाकर खुद बहुत पैसा कमा सकते हैं। और ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है कि आप और लोगों को यही कोर्स बेचिए। अब इस कोर्स की जगह पर आप कोई जमीन रख दीजिए, इसकी जगह पर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट रख दीजिए, इसकी जगह पर कोई कम बहुत कम
तरीके इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिटर्न का कोई लालच रख दीजिए, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ब्याज मिलने वाला कोई प्रोडक्ट रख दीजिए। दुनिया भर में इस किस्म के स्कीम्स लगातार दी गई। जिस जिस अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होती है उस अर्थव्यवस्था में हमें यह होते हुए मिलता है। कई देशों में तो सरकारों की तरफ से ऐसा किया गया, लॉटरियां देना या मल्टी लेवल मार्केटिंग के पोंजी स्कीम्स देना कि अभी आप 50 रुपए लगा दीजिए, फिर आगे और लोगों से कहिए कि इस स्कीम में 50 लगाएं तो वो जो 50-50 देंगे उसमें से आपको इतना मिल जाएगा। आप जानते हैं कि ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि क्योंकि इसमें वास्तव में कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है और इसी वजह से यह वह एथिकल प्रश्न आया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को जागृत करने के लिए उनसे बात की जाने की जरूरत है। देखिए, आपने पढ़ाई लिखाई की है जिसका मतलब है कि आपके अंदर एक आधारभूत तार्किकता की जरूरत है और इसलिए मेरा आपसे साधारण सा आग्रह है कि जब भी आपको ऐसा बताया समझाया जाता है कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, आप रातों रात सफल हो सकते हैं, या किसी व्यक्ति के पास आपकी सफलता का कोई शॉर्टकट है जिसमें आप 5 दिन में 10 दिन में 1 महीने में 2 महीने में अचानक एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे या कुछ और तरीके से सफल हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, बिकॉज देर इज नेवर एवर अ शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं नहीं होता। इसलिए न तो आप मोटिवेशन के नशे का कोई इंजेक्शन लेकर आज अचानक आप लो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और आपने 4 वीडियो देखे या आपने 4 लोगों के पास जाकर बातचीत की या कोर्स किया और अचानक आपके अंदर मोटिवेशन इतना पंप हो गया कि आप कल जाके एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। अव्वल तो ऐसा होता नहीं, और अगर ऐसा होता है तो वो उतना ही शॉर्ट टर्म होता है। आपने अभी मोटिवेशन पाया, आधे घंटे के बाद आप फिर से उसी समस्थिति में आएंगे। ये मोटिवेशन पे लागू होता है, ये सफलता के किसी भी और औजार पे लागू होता है। सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास। मैं शिक्षक हूं, इस कारण स्वाभाविक तौर पर मेरे मन में आता है कि वे बड़े बड़े संस्थान, हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, IITs हैं, IIM हैं, अगर वहां पर काफी काबिल शिक्षक हैं, उनके पास बहुत अपनी पढ़ाई भी है और पूरी दुनिया भर की केस स्टडीज भी है। यदि ऐसी सफलता का कोई भी शॉर्टकट होता, चाहे वह किसी बिजनेस स्कीम के नाम पर हो, चाहे वह किसी NLP या किसी अन्य किस्म के औजार के नाम पर हो, यदि ऐसा कोई शॉर्टकट होता तो स्वाभाविक है इन विश्वविद्यालयों से कब से निकल के आ गया होता, इन IIM से निकल के आ गया होता। और वह आसानी से, अगर वह बहुत बड़ी जनसंख्या को अचानक अमीर बना सकने की क्षमता रखता था तो स्वाभाविक है कि अब तक सारी जनता अमीर हो गई होती। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई चीज वास्तविक उत्पादन नहीं कर रही है, किसी सर्विस किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वह आपको रातों रात बहुत बड़ी जनसंख्या को सफल नहीं बना सकता। इस स्कैम के आधार पर, इस भ्रम के आधार पर 4 लोग जो इसके मालिक हैं, वे संभव है कि उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो धन कहीं किसी उत्पादन से नहीं आ रहा होगा, वह आप ही की जेब से आ रहा होगा। इसलिए यह सही है कि अर्थव्यवस्था में हताशा है, यह सही है कि रोजगार कम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है, MLM जो होता है, उसका चाहे कोई भी नाम रख दिया जाए, उसके चक्कर में फंसे। ये सही है कि इसके कुछ लीगल रैमिफिकेशंस होते हैं, इसके कुछ सोशल रैमिफिकेशंस होते हैं, जिनका ध्यान ये जो लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर उसका कोई तोड़ निकाल के रखते हैं, उसका कोई नाम बदल देते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय से लगातार वह अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है जिसे हम गिग इकॉनमी कहते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए काम, कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। आप जानते हैं ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, आप ड्राइवर पार्टनर हैं, आप डिलीवरी पार्टनर हैं, ना जाने आप इस किस्म के किसी अन्य नामकरण के साथ हैं, लेकिन आप मूलतः एक गिग वर्कर हैं जिसमें आपके साथ आपको कहा जाता है कि आप काम करेंगे और बदले में आपको पैसा मिलेगा, कोई वेतन नहीं है। जब आपको इस किस्म के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप काम करेंगे और आपको करोड़ों रुपया मिलेगा,
या लाखों रुपया मिलेगा, तब तय मानिए कि आप यू आर बीइंग स्कैम्ड। मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह कर रहा हूं कि किसी भी किस्म के ऐसे शॉर्टकट पर यकीन करना बंद कीजिए। यदि आप इस जंजाल में फंस चुके हैं तो और मत बैठिए, निकल पाइए। जितना जल्दी इससे निकलेंगे और वास्तविक श्रम, वास्तविक मेहनत, वास्तविक काबिलियत, वास्तविक कौशल का इस्तेमाल करेंगे, सफलता की संभावनाएं तब फिर भी होंगी और शॉर्टकट तब भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, 6 महीने में अंततः सफल हो जाता हो, नहीं होता। और यदि ऐसा कोई दिखाई देता है और उसका इस्तेमाल और लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, एक बेट की तरह, एक चारे की तरह, तो यह और भी डरावनी बात है। तो मेरी सलाह यह है कि थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां खराब होंगी वैसे वैसे ऐसे जाल, ऐसे जंजाल, ऐसे फंसाने के तरीके बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया।